यूट्यूबर चैनल हिमाचली मॉम एंड हिमाचली लाइफस्टाइल। तो अभी हम यहाँ पर रील्स बना रहे थे, तो आप हमारी रील्स को फॉलो करिए रीना 1370 के नाम से। तो अभी रील्स बना चुकी है मम्मा मेरी, तो फिर मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू। अब कहाँ जा रहा है बेटा? ड्रेस चेंज करने। यहाँ पे जो है नव्या अब अपने ड्रेसेस को पैक कर रही है। तो कभी कभी बच्चों को जो है ना फ्री छोड़ देना चाहिए, जो उन्हें काम करना है वो करने देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं भी उसे फ्री छोड़ा है और वो जो काम करना चाहती है मैं उसे करने दे रही हूँ। तो लगी हुई है अपनी पैकिंग में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ रेसिपी, तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी रेसिपी है। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और हम भी जो है अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित है। तो काफ़ी टाइम से जो है मैं जो वीडियोस है रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं मेरे फ़ोन में जो है ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कैमरे की सेटिंग में हो गई है और वीडियो जो है ना बहुत हाई क्वालिटी की हो जाती है और अपलोड नहीं हो पाती, तो फिर वो 2GB से भी ऊपर चली जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरा अपलोड करना वीडियोस। तो फिर मैंने क्या किया, फिर इसमें सेटिंग फिर से ठीक करी। देखते हैं आज की वीडियो ये अपलोड हो पाती है या नहीं होती है, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, वो है भरवा करेले, मेरे फेवरेट है। तो चलिए चलते हैं, ये मेरे स्टाइल में बनेगी। तो आइए चलते हैं किचन में। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन की ओर। चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे जो है पहले से इंग्रेडिएंट्स मैंने रेडी करके रखे हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ, ये है आलू को मैंने जो है कद्दूकश करके इन्हें इससे स्टार्च जो है ना पूरी तरह से निकाल के रख दिया है, पानी के अंदर है ये। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े बड़े प्याज कट करके रखे हैं और यहाँ पे 2 टमाटर। और फिर अब जो है हम सबसे पहले बनाएंगे भरवा करेले की स्टफिंग। तो फिर हम इसी कढ़ाई का यूज़ करेंगे करेलों को फ्राई करने के लिए भी। तो मेरे जो करेले हैं ना वो कुछ थोड़े से पके हुए से निकल लिए हैं, ये हस्बैंड और मम्मा लेके आए थे तो ये बस्तों के लाए थे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, फिर भी बनाने तो है, चलो हम इनको बनाएंगे, कुछ इसमें अच्छे भी है। अब हम इस कढ़ाई में डालेंगे रिफाइंड ऑयल। ऑयल जो है यहाँ पे हो चुका है हीट, मुझे झरने जीरा, अब इसमें डालूंगी मैं अनियन, हुए ज़्यादा इसमें डाल देते हैं टमाटर, तो ये मेरे स्टाइल में बन रही है। इसमें हल्की सी अजवाइन रहेगी, अजवाइन यहाँ पे लाओ, इसमें हम जो है दिखाएंगे। आ रही है बेटा, इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, अच्छा
और जो है हम इसी में डालेंगे कलर में। अब इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। और इसमें जो है अब जो है मेरे मेरे चले जाएंगे, तो ये आलू जो है मुझे अच्छे से थोड़ा सा निचोड़ के डालने हैं। तो हैंड वॉश करके यहाँ पर जो है मैंने कद्दूकस किए हुए आलू भी डाल दिए हैं स्टफिंग में, और इसमें स्वादानुसार नमक डाल दिया है। और अब अच्छे से इसे करेंगे मिक्स, ताकि जो है हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए पूरी स्टफिंग में। और फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हम पकने को। तो जब तक है ये मेरे आलू थोड़े से पक नहीं जाते, तब तक हम करते हैं थोड़ी सी बातें। मैंने जो है इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अब जो है देखिए, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक लूँगी ताकि ये आलू जो है अच्छे से पक जाए। तो क्योंकि ये मैंने कद्दूकस करके डाले हैं तो ये जल्दी ही पक जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो चलिए इसे करते हैं बंद, तो ये अच्छे से पक जाए। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट तैयारी है वो है करेलों को डीप फ्राई करने की। तो कई लोग इसे जो है करेलों को बॉईल करके भी फ्राई करते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही फ्राई करने वाली हूँ ऑयल में डीप फ्राई। तभी मैंने स्टफिंग में ऑयल ज़रा कम यूज़ किया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल होने वाला है, ऑयली होने वाले हैं ये। तो चाहे आप तो दूसरी कढ़ाई लेके इसे दूसरे पैन में या दूसरी कढ़ाई में इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मुझे इसी में ही करने हैं। पहले मैं इसको पका लेती हूँ, तो उसके बाद जो है करेलों को फ्राई करेंगे। तो तब तक बने रहिएगा मेरी वीडियो में। करेले को बनाने की रेसिपी काफ़ी सारी होती हैं, तो सबकी अपनी अपनी रेसिपी होती है। तो ये मेरी रेसिपी है, मैं ऐसे भी बनाती हूँ, और एक दूसरा तरीका है। तो मैं उसमें जो है इस स्टफिंग में हल्का सा बेसन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको टमाटर और प्याज को स्किप करना है, ओनली आलू के बनाने हैं, तो भी बहुत यमी बनते हैं। तो आप आलू के बना सकते हैं। अगर आपको ओनली टमाटर और प्याज के बनाने हैं, वो भी बना सकते हैं, वो भी यमी होते हैं। इन दिस टाइम मैं बना रही हूँ आलू, टमाटर और प्याज तीनों को मिक्स कर जो स्टफिंग है, उसमें थोड़े से आलू ज़्यादा हैं और टमाटर और प्याज थोड़े से कम हैं। तो हम ऐड करेंगे इसमें कस्तूरी मेथी फ्लेवर को बढ़ाने के लिए स्टफिंग में। और इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के अंदर हमारी जो स्टफिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब हम जो है करेंगे करेले को फ्राई। तो पहले तो हम स्टफिंग को निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब जो है हमारी स्टफिंग बन के हो चुकी है रेडी। अब जो है इनको डीप फ्राई करने के लिए करेलों को डीप फ्राई करने के लिए हम डालेंगे इसमें ऑयल। तो थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ज़्यादा डालना है, ताकि ये अच्छे से डीप फ्राई हो जाए। अभी हम इसको करते हैं हीट अच्छे से, ताकि करेले अच्छे से फ्राई हो जाए। तब तक बने रहिएगा मेरी वीडियो में। यहाँ पर जो है मैंने जो है करेले डाल दिए थे, यहाँ पे मेरे करेले जो है, यहाँ पे कुछ करेले रेडी भी हो गए हैं। यहाँ पे हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट बन के हो चुकी है रेडी।
तो अब बस हमें जो है इस स्टफिंग को इन करेलों के अंदर अच्छे से फिल कर देना है ताकि हमारी जो है भरवा करेले की रेसिपी बन जाए पूरी। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे तो बहुत आती है, तो आशा है कि आप लोगों को भी आएगी। तो इस तरह से मैं अब करेले कर रही हूँ फिल स्टफिंग डालकर। और आप लोगों को मैं एक बात बताना तो भूली गई, जब मैंने करेलों को खाली किया था, इसके बीज निकाले थे, तो मैंने इसमें से हल्का सा नमक लगा दिया था ताकि जो इनका कड़वापन कम हो जाए, क्योंकि ये शॉप से लिए हुए करेले हैं और मोटी स्किन के करेले हैं, तो इसमें थोड़ा कड़वापन ज़्यादा रहता है। जो हम अपने बीजते हैं ना करेले बगीचे में, वो छोटे छोटे होते हैं, उनकी स्किन पतली होती है और जल्दी से फ्राई हो जाती है, थोड़े फ्राई होने में भी टाइम लगाते हैं। बाकी ऑलमोस्ट हमारे जो करेले हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अब आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।